भाइयों नमस्कार। आज किसान संचार की ओर से हम आपको मिर्च की खेती की जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिर्च हमारी रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका जो है सब्जी में सीधे भी इस्तेमाल होता है, अचार इसके डाले जाते हैं, और साथ साथ ये मसाले में मिर्च का काम, अपने तीखेपन देने का काम तो करती करती है, और भी काफ़ी यूज मिर्च के ये पाए जाते हैं। तो हम इसकी पहले बात करते हैं कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसकी एक किस्म है NP46A, यह एक अधिक उपज देने वाली और दरमियाने आकार के फलों वाली किस्म है। हरी मिर्च की औसत पैदावार जो इसकी वो 40 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है इससे। दूसरी किस्म है पूसा ज्वाला, यह एक अधिक उपज देने वाली और दरमियाने आकार के फलों वाली है, लेकिन तीखी बहुत होती है, पौधे छोटे और फलों से लदे होते हैं। हरी इसकी जो मिलने वाली हरी मिर्च इस पौधे से, उसकी जो औसत पैदावार है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ है। एक किस्म आती है PC1, इस किस्म के फल जो है ऊपर की तरफ लगते हैं, रोपाई के 60-65 दिनों के पश्चात जो है फल लगने शुरू हो जाते हैं, जो 95 से 100 दिनों के बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हरे फलों की जो लंबाई इसकी है वो 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। यह किस्म पत्ती मरोड़ विषाणु व मोजैक रोगों की प्रति जो है काफ़ी हद तक जो है प्रतिरोधी है। इसके बाद एक किस्म है हिसार शक्ति, जिसे हम HC44 भी कहते हैं। तो ये भी एक अगेती पकने वाली विषाणु रोगों के प्रति प्रतिरोधक है, उन्नत मसाले किस्म है। फल गुच्छों में 5-6 फल एक गुच्छे में इसके लगते हैं और ऊपर की ओर लगते हैं। फलों की लंबाई जो है 7 से 8 सेंटीमीटर और मोटाई जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी होती है। लाल पके फलों में जो है ओलेरिसिन जो है उसकी मात्रा 12 से 15% तक पाई जाती है। औसत पैदावार इसकी भी जो हरी मिर्चों की वो 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ है, जिससे लगभग 6 से 8 क्विंटल सूखी मिर्च प्राप्त की जा सकती है। अगर तो आप मिर्च को सुखा रहे हैं, फसल को पकाने के बाद इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे सूखी मिर्च जो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। इस किस्म की जो मोटी फसल ली जा सकती है, मतलब यदि आपकी पहले बोई हुई फसल जो पूरी हो जाती है तो उसके बाद इसकी जो है मोटी फसल भी ली जा सकती है। एक और किस्म है हिसार विजय, इसे हम SC28 भी कहते हैं। यह शीघ्र पकने वाली है, विषाणु रोग इसमें काफ़ी कम लगता है, और ये मसाले की बहुत अच्छी किस्म है। इसमें भी फल जो है गुच्छों में और ऊपर की ओर उठे होते हैं। सर्दी में फलों का रंग जो काला हो जाता है, जो पकने के बाद लाल रंग में बदल जाता है, मिर्च ठोस होती है। इसके फल जो है पतले और सिरों पर जो गोल होते हैं। लाल पके फलों में जो 11 से 12% ओलेरिसिन होता है। लाल में सूखी मिर्च की उपज जो है हिसार शक्ति के ही समान है, इस किस्म की जो मोटी फसल ली जा सकती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए भूमि कैसे तैयार की जाए। तो वैसे तो मिर्च की फसल जो अनेक प्रकार की भूमि में जो है उगाई जा सकती है, फिर भी जो है अच्छी जल निकास व्यवस्था वाली जो और अधिक जीवांश मात्रा वाली जो घनी दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए बहुत अच्छी मानी गई है। जमीन 3 से 4 बार जोत कर आप और पाटा लगा कर तैयार कर सकते हैं, और गोबर की खाद जो है पहले जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। अब इसकी बिजाई के समय की बात आती है, तो पौधशाला में जो है बीज की बिजाई मई से जून और अक्टूबर से नवंबर की जाती है। बिजाई के 30-35 दिनों के पश्चात पौधे जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक एकड़ में पौध रोपाई के लगभग जो है 15-20 क्यारियाँ जो 3x1 मीटर साइज की होती हैं एक पर्याप्त होती है। बिजाई से पहले जो बीज का उपचार जरूर करें, जैसा कि ताकि इससे जो आर्द्र गलन बीमारी जो है वो उसका बचाव हो सके। जहाँ तक बीज की मात्रा है, तो एक एकड़ भूमि की जो रोपाई करने के लिए जो है 400 ग्राम बीज की नर्सरी जो है पर्याप्त रहती है। पौध तैयार करने के लिए जो बिजाई के लिए जो मई जून के महीने में समतल क्यारियाँ बना लें, और ये वही इसमें क्यारे जो है बनेंगी आपकी 3x1 मीटर की, जबकि अक्टूबर नवंबर की बिजाई के लिए जो गहरी क्यारियों के बनाने की सिफारिश की जाती है। क्यारियों में बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर बोए। मिर्च की रोपाई कैसे करें, तो इसके लिए जो मिर्च के पौधों की रोपाई जो है वो डॉलियों पर, मतलब क्यारियों के किनारे पर डॉलियां बनाकर जो है
उसमें की जाती है। और डॉलियों की आपसी दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर जो रखनी चाहिए। अब इसमें खाद की जो मात्रा है वो है प्रति एकड़ जो 10 टन गोबर की खाद इसमें पर्याप्त होती है, जो जुताई के मतलब तैयारी के समय खेत में मिला दें, और 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस तथा 12 किलोग्राम पोटास की जो है शुद्ध मात्रा वो इसमें डालें। नाइट्रोजन की जो एक मात्रा 1/3 मात्रा है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ये आपने रोपाई के समय ही डालनी है, और जो बाकी आपकी 2/3 नाइट्रोजन बचती है उसे रोपाई के 1 महीने पश्चात फूल आने पर जो खड़ी फसल में आप छिट्टा देकर जो है सिंचाई कर दें, या सिंचाई करने के बाद से छिट्टा करके डाल दें। अब इसमें अंतर क्रियाएं जो होती हैं तो मिर्च में ये जरूरी है कि आप खरपतवार ना होने दें। खरपतवार ना होने देने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सस्ता तरीका वो यही है कि आप इसकी निराई गुड़ाई करते रहें और घास को निकाले निकाल दें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपकी जो भूमि में है भूमि का संचार वायु संचार जो है वो सुचारू रहता है, और मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो भी पर्याप्त बनी रहने के कारण जो है जड़ें जो है पूरा विकास करती हैं, और जिससे जो पौधे की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे उत्पादन बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी जो जैसा मैंने बताया था कि रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें, दूसरी सिंचाई जो रोपाई के 3-4 दिन पश्चात करें। सिंचाई से पहले जो है खाली स्थानों पर फिर से रोपाई की जानी चाहिए, जहाँ मतलब पौधे कम रह गए हैं या किसी वजह से नष्ट हो गए हैं वहाँ दोबारा रोपाई कर दें। तो आगे आपने जो देनी है इसमें सिंचाइयाँ वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि वर्षा की जो सघनता है वो कितनी है, तो वर्षा को ध्यान रखते ही सिंचाई का जो है आप शेड्यूल तैयार करें। दो सिंचाइयों के बीच जो 8-10 दिन का अंतर औसतन जो रहना चाहिए। फूल और फल लगने की अवस्था में पानी देना बहुत जरूरी है। पहली इसकी जो निराई गुड़ाई है वो रोपाई के 25-3 दिन के पश्चात करें, और दूसरी गुड़ाई फूल आने की अवस्था में करें। खरपतवार रोकथाम के लिए आप जो है अगर चाहें तो मतलब अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा खरपतवार वो खेत में होते हैं, और ये भी आप मान निश्चित कर लेते हैं कि भाई बिना इसके केमिकल के खरपतवार नहीं रुकेंगे, तो ऐसी अवस्था में जब आप जो रोपाई कर लें उसके 3-4 दिन पश्चात जो है इसमें जो है इसमें स्टॉम्प 30% दवा का जो है 1.5 से 1.3 से 1.75 लीटर जो है प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी मिला के इसका छिड़काव फसल पर कर दें, खेत में कर दें, तो आपका ये खरपतवारों का भी निदान हो जाता है। अब बात आती है कि फूल और फलों का इसमें जो गिरने की समस्या आती है, तो उसके लिए आप जो है पौधों की आरंभिक अवस्था या ये कहिए कि अगस्त सितंबर के महीनों में पौधों से फूल व फल जब गिरते हैं तो इस समस्या को रोकने के लिए उस समय आप पौधों पर प्लानोफिक्स 1 मिलीमीटर दवा, प्लानोफिक्स नाम की दवा है, उसकी 1 मिलीमीटर मात्रा जो है 4.5 लीटर पानी के घोल का पहला छिड़काव जो है फूल आने की अवस्था में करें, और दूसरा छिड़काव जो है वो पहले छिड़काव के 3 सप्ताह करें। तो मात्रा फिर एक बार याद रखिए कि 1 मिलीलीटर प्लानोफिक्स जो है वो 4.5 लीटर पानी की दर से आपने घोल बनाना है, और उसका छिड़काव आपने 2 बार फुलाने की अवस्था पर और जो है उस छिड़काव के 3 सप्ताह के बाद करें। अब फलों की तुड़ाई, तो मिर्च के फलों को जो बाजार में बेचने हैं तो हरी अवस्था में तोड़ना चाहिए। मसाले के लिए जो आप फलों को पौधों पर ही पकने दें, और जब वो पूरी तरह लाल हो जाए उसके बाद जो है इसकी तुड़ाई करें पकाओ के लिए। तो इस तरह से 1 एकड़ भूमि से जो आपको 3-4 क्विंटल सूखी मिर्च बड़े आराम से मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कीड़े बीमारियों की, तो इसमें जो है सबसे पहला जो कीड़ा है वो है दीमक। तो दीमक आप जानते हैं कि हल्के भूरे रंग के ये वर्कर कीट हैं इसके, जो जमीन में रहकर जड़ों व तनों को काट देते हैं और पौधे सूखकर मुरझाकर जो सूख जाते हैं। इसका जो अधिक प्रकोप होता है वो सितंबर से नवंबर और फरवरी से मार्च में होता है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे पिछली फसल के अवशेष जो हैं वो इसमें ज़्यादा ना खड़े रहें, और दूसरा गोबर की कच्ची खाद का इसमें बिल्कुल प्रयोग ना करें। अब जो है एक जो दूसरा इसमें जो कीड़े आते हैं वो चूड़ा और अष्टपदी है।
जिसे माइट कहते हैं अष्टपदी को, तो ये दोनों जीव जो है पत्तों से रस चूसते हैं, जिससे जो है पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं, और इससे जो मरोड़िया रोग भी जिसे हम मुझे कहते हैं वो भी फैलता है, जिसकी वजह से पैदावार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो इन कीड़ों की रोकथाम के लिए आप जो है 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी का छिड़काव जो है वो 200 लीटर या 250 लीटर पानी में फसल की अवस्था के अनुसार, कितनी उसकी बढ़वार और कितना उसका फैलाव है उसके अनुसार जो पानी 200-250 लीटर रखकर जो आप प्रति एकड़ इसका 15-20 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहें, या प्रैप्ट जो है वो 20 सी वाली उसकी 300 मिलीलीटर मात्रा को जो है आप वही 200-250 लीटर पानी मिलाकर फूल आने से पहले जो छिड़काव करें वो 10-12 दिन के अंतर पर जो है 2-3 छिड़काव इस तरह के आप करिए। तो इसकी जो एक बीमारी है फल का गलना और टहनीमा रोग, ये जो है फफूंद से होता है, फलों पर जो है भूरे रंग के धब्बे पड़ने के बाद ये फल गल जाते हैं और टहनियाँ भी इसके ऊपर सूख जाती हैं। तो इसके लिए जैसा हमने बताया था बीज उपचार के 2.5 ग्राम इसमें जो है आप कैप्टन या धीरम से जो प्रति किलो बीज का उपचार करने के बाद ही नर्सरी लगाएं, और यदि खड़ी फसल में आती है तो 400 ग्राम कॉपर आर्सीक्लोराइड जिनेप या एंडोफिल को जो है 200-250 लीटर पानी में घोलकर जो है प्रति एकड़ जो है 10-15 दिन के अंतर से इसका छिड़काव करें। और जो पत्ती मरोड़ रोग है उसे उसमें भी जो ये कीड़े से आता है, तो कीड़ों का जो है इसका जो नियंत्रण कीड़ों का वो चूड़ा है आपका, इसमें माइट है, इनका जो ऊपर मैंने इलाज बताया था वो करते रहेंगे लगातार, तो आपको ये बीमारी से बचाव हो जाएगा। तो ये थी हमारी आपकी मिर्च के बारे में खास जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।